फिर रात हल्ले वाले हमारे घर से आ गए तो हम देखकर बहुत परेशान हो गए। देखकर तकरीबन 8 बजे था कि ये अचानक हमारे घर में क्यों आ गए हैं, कोई ऐसी वैसी कोई बात हुई है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज जुम्मा है, सब बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक। तो जी अभी खाना बनाने का टाइम है, तो आप सब बहन भाइयों ने साथ रहना है। आज जी देखना है कि आज हम खाने में क्या बना रहे हैं। तो जी आज हम बना रहे हैं चिकन कलेजी। सबसे पहले इसको ना निकाल लेते हैं। आज ही हमने चिकन कलेजी लिया। डेली पे हमें समझ नहीं आता कि हम डेली पे क्या बनना है, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। आज हमने सोचा चलो आज कलेजी खा लेते हैं। अभी जी प्याज श्याज काटते हैं, टमाटर वगैरह भी काटते हैं आज। तो जी आप सब बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, जो मेरे बहन भाइयों ने मेरी वीडियो देखी है और वीडियो को लाइक भी किया है, प्यार भरा आप लोगों ने कमेंट भी किया है, आप सब का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, तो मैं जब आप लोगों के कमेंट देखे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन आपके लिए ना बहुत सारी दुआएं भी निकल रही थी कि आप लोग हमारी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हुए। ये ना कलेजी को काट लेते हैं, छोटे साइज काट लेते हैं ना, ताकि हमारा शाम का खाना भी बन जाए। ये सलेब भी होती है हाथ पे ना, क्या करना, यह हाथ पे ना लग जाए। ये डब्बे में ना घी है कम, ये निकाल के ना सालन में डाल लेते हैं, फिर बाद में डब्बा भी धोएंगे, ये ना खराब हो। बिस्मिल्लाह। अभी ना मेरा बेटा गया है तंदूर पे रोटी लगवाने के लिए, मैं कहा मैं जल्दी से सालन तैयार कर लेती हूँ। तो आज थोड़े मैंने आज ज्यादा काटे हैं, क्योंकि मिठाला वगैरह हो ना कलेजी में थोड़ा ज्यादा, तो फिर ये लजीज बनती है। इधर हमारा मसाला तैयार हो रहा है, ये पड़े जी चिकन। तो आजकल मक्खियों भी बहुत ज़्यादा हैं, बस दिन ब दिन जो है ना मक्खियों की तादाद बढ़ती जा रही है। जब फुल गर्मी आ जाएगी ना, तो फिर ये खुद खुद मक्खियाँ पता नहीं कहाँ भाग जाती हैं, फिर ये एक ही नज़र में ही आती है। तो जी फिर एक बात आप लोगों को बतानी थी, रात मोहल्ले वाले हमारे घर से आ गए तो हम देखकर बहुत परेशान हो गए, देखकर कि ये अचानक हमारे घर में क्यों आ गए हैं, कोई ऐसी वैसी कोई बात हुई है क्या। तो फिर पता चला हमें कि ये हमें मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। वो बहुत खुश भी हुए हैं, 4-5 औरतें भी थी, 7 बच्चे भी थी, कि हमें भी केक खिलाएं। तो आप तो 50,000 आपके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आपने कुछ हमें खिलाया बिलाया नहीं, या मिठाई नहीं खिलाई, आपने केक नहीं खिलाया, खुद आप पार्टी कर रहे हो, खुद केक खा रहे हो, तो पार्टी पे हमें भी बुलाते हैं। तो माशाल्लाह मैं मोहल्ले जो जितना भी ये मेरा मोहल्ला है सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये मेरी वीडियो पहले भी देखते थे, तो रात भी इन्होंने मेरी वीडियो, जैसे मैंने वीडियो अपलोड की है तो इस तरह ना सब आ गए, तकरीबन 8 बजे था। अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने पड़ोसों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और साथ आप सब भाइयों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जी रोटी तो दूर
केला तैयार चुकी है, अभी तक हमारा सालन तैयार नहीं हुआ। तो पहले तो इतना ज्यादा हम एक दूसरे के घर में नहीं जाते, जैसे रात औरतें आई ना तो उन्होंने मेरा किचन वगैरह देखा, तो वो किचन भी देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये कलर कोई तो कह रहे थे कि ये कलर अच्छा नहीं है, किसी ने कहा है कि कलर अच्छा है। तो इस तरह से जो मैंने कुर्सियाँ ली थी ना, वो अभी तो मैंने फिलहाल इधर जमा कर दी हैं। ये देखें, फिलहाल तो मैंने फिलहाल हमने इधर रख दी हैं ये कुर्सियाँ। मैंने कहा ये अभी पड़ी रहे, अभी छोटी सी ना टेबल भी बनवाएंगे, वो इस कलर से इंशाल्लाह बनवाएंगे। ये जो टेबल है ना, ये इधर अभी पड़ा है हमारा कंप्यूटर, क्योंकि ये ना डेली पे हम नहीं इसको हर वक्त नहीं उठा सकते, तो टेबल बनाना अभी जरूरी बन गया है, इंशाल्लाह लाजमी बना। तो मैंने भुन लगा दिया, अब ना ये दही भी बीच में डालना ना, ये भी लाजमी होता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा तैयार हो चुका है, तो अभी जी खाना खाते हैं, खाना लगाते हैं। तो जिस बहन भाई ने खाना खाना है वो भी आ सकते हैं जी हमारे साथ खा सकते हैं। सालन मैंने पैन के रख दिया जी, अभी हो जाएगा ठंडा। हाँ जी, तो सावधान भाइयों की फरमाइश थी कि आप दस्तरखान ले लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिया, तकरीबन एक हफ्ता तो होने वाला है हमने लिया था। कुछ मेरे बहन भाइयों ने ये देखा भी होगा हमारे दूसरे चैनल पे। तो जी अभी हमारी पूरी फैमिली बैठ के इधर खाना खाएगी, तो आप सब बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। अरे बहुत भूख लग रही है, बैठो बैठो बेटा मेरा बैठो। ये ले बेटा, ये लेंगी रोटी भी। तो जी तंदूर की है रोटी गरम गरम। नींबू ले आओ बेटा। अच्छा ले आ, ले आ बेटा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भूल गए हो? बस कर ये ज्यादा आ गया। खाना खाना लोग आ सकते हैं जी हमारे साथ खाना खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया है, अभी बारी है बर्तन धोने की। लेकिन जब बंदा खाना खा लेता है ना, तो फिर जो है ना बिल्कुल बंदे का दिल नहीं करता कि बंदा बर्तन धोए। ये अभी कुछ बर्तन पड़े हैं जी इधर, अभी जी कुछ बर्तन पड़े हैं ये इस खुरे पे, तो अभी ना बिल्कुल मूड नहीं है बर्तन धोने का। क्या करें, बर्तन धोने तो पड़ेंगे, लेकिन इधर ना देखें ये चीड़े चीड़े आ गई हैं। अभी बर्तन पड़े हैं ना, ये खाना पीना ढूंढने के लिए आ चुकी हैं, तो काफी इधर ना चिड़िया वगैरह जो है ना जमा हो जाती है। तो जी अभी बर्तन भी धोते हैं, तो वीडियो का भी एंड कर देते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आज का लोग आप सब बहन भाइयों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दो में याद रखना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।